रोड है और डिस्चार्ज रोड जो है अपने ये तीन पार्ट में है। सबसे पहले इसको असेंबल करेंगे और असेंबल करने से पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जो भी हमारा वायर है ये वायर कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और कभी भी हम वायर को ऊपर होल्ड करते समय या नीचे क्लैंप को लगाते समय कभी भी इसके लग को हाथ से नहीं पकड़ेंगे असेंबल। और ये हमारा एडजस्टेबल हुक स्प्रिंग होता है, इसको अपने कॉन्टेक्ट वायर में हुक करेंगे। अब इसको असेंबल करते हैं पहले। ये इस तरीके से अपना पूरा असेंबल हो जाएगा। हाँ। और असेंबल करने के बाद ये हमारा एडजस्टेबल क्लैंप है और इस क्लैंप को जब भी हम इसे रेल में लगाएंगे, रेल में लगाते समय कभी भी इसको हाथ से यहाँ पर पकड़ेंगे नहीं, इसको लगाने के लिए इस तरीके से पकड़ेंगे दूर रख करके। इसको क्लैंप करने से पहले जो भी अपना रेल का पार्ट होगा उसको पहले हम इसे रब कर लेंगे ताकि रस्टेड है, इसको पहले रब कर लेते हैं। रब करने के बाद इसको टाइट करेंगे। टाइट हो गया ये सिंगल कॉन्ट्रोल। ये हमारा पूरा डिस्चार्ज रॉड की पूरी असेंबली हो चुकी है और असेंबली होने के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये क्लैंप लगा दिया गया है और एक ही दूसरा क्लैंप लगा दिया गया है। और अब इसके बाद जो है ये हम अपना इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ग्लव्स पहन लेते हैं और पहनने के बाद अब हम डिस्चार्ज रॉड को उठाते हैं ऊपर। डिस्चार्ज रॉड को उठाते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि जो भी इसका कंडक्टर का पोर्शन है वो कंडक्टर का पोर्शन हमेशा अपने शरीर से दूर रखना है। और इसको उठाने के बाद सबसे पहले हम अपने स्टडी आर्म पर टच करेंगे या रजिस्टिव आर्म पर इस तरीके से। और इसको हम इसलिए सबसे पहले आरटी पर ही से टच करते हैं क्योंकि जो भी हमारा वो चीज़ जब चार्ज होती है तो चार्ज होने के बाद ही हमारा पूरा का पूरा ब्रैकेट चार्ज हो जाता है कैंटीलीवर। और इससे क्या होगा कि जो भी हमारा लीकेज करंट होगा वो लीकेज करंट सबसे पहले इस कंडक्टर के थ्रू अर्थ हो जाएगा। और अर्थ होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्पार्किंग होती है, अगर हम डायरेक्ट इसे कॉन्टैक्ट वायर पर टच करेंगे तो कॉन्टैक्ट वायर पर टच करने से स्पार्किंग होगी और स्पार्किंग होने से उस पर कॉन्टैक्ट वायर पर कार्बन आ जाएगा। कार्बन आने से क्या होगा कि जब हमारा ट्रेन चलेगा और उसका पेंटो जब टच होगा उस कार्बन पर तो वहाँ पर हमारी ओएचई ट्रिप हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम आरटी पर टच करते हैं, आरटी पर टच करने के बाद उसे कॉन्टैक्ट वायर पे हुक करते हैं इस तरीके से।
डिस्चार्ज रॉड को उतारने से पहले सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कभी भी हमें सबसे पहले नीचे क्लैंप को नहीं ओपन करना है। सबसे पहले हम अपने डिस्चार्ज रॉड को ऊपर की ओर, ऊपर का पोर्शन सबसे पहले निकालेंगे। ऊपर का पोर्शन निकालने के बाद अब हम इसका जो भी क्लैंप होगा उस क्लैंप को निकालेंगे।